तो हमारी इस एमएस ऑफिस की क्लासेस में हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर आपका टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्लाइसर ऑब्जेक्ट वगैरह दिए थे, और उसके बाद जो है कुछ चीजें उसके बारे में क्लियर डिस्कशन करते हैं। जैसे इक्वेशन, अगर इस तरह की इक्वेशन अगर आपको मान लीजिए कि पावर पॉइंट में डालना पड़ा, हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल या किसी केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ रिपोर्ट बनाएंगे तो किसी न किसी आपके प्रेजेंटेशन में इस तरह का इक्वेशन जरूर आता है। ठीक है, नॉर्मल कंपनी में नहीं आती है, लेकिन मैंने दो तीन फार्मास्यूटिकल कंपनी और आपको क्या बोलते हैं जो इंजीनियरिंग कंपनी है उनके इसमें देखा हुआ है। तो ये या फिर किसी लैब लैब रिलेटेड होती है, लैब वगैरह में इसका इस्तेमाल होता अच्छा है। हाँ, तो इक्वेशन में क्या है कि आपको जैसा इक्वेशन चाहिए वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं सीईटी फाइन। अगर आपको मान लीजिए कि इक्वेशन एग्जैक्ट ऐसा नहीं चाहिए, इसमें अलग अलग चीजें चाहिए, तो यहाँ ऊपर देखिए ऐड करने के बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से उस इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं। अब इसका इसलिए यहाँ पे यूज करना होता है क्योंकि आपके कीबोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है इसको टाइप कर सकते। जैसे कि इस ये सिंबल दिख रहे हैं, ये जो आप अनलिमिटेड का सिंबल होता है, तो इस तरह के सिंबल है नहीं। जैसे आप देखिए सीता का सिंबल है, ये सिंबल है नहीं, तो आप यहीं से टाइप कर सकते, समझ गए। अच्छा तो इक्वेशन, लेकिन इसका हमारे ऑफिस लाइफ में ज्यादा यूज नहीं है। उसके बाद सैम्बुल है, लेकिन सैम्बुल यहाँ पे आपका सैम्बुल तभी यह होगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स जब आप लीजिएगा तभी जाके सैम्बुल आपका एक्टिवेट होगा। सैम्बुल ये देखिए डीएक्टिवेटेड है ना, लेकिन जैसे ही मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया जहां पे मैं टाइप कर सकूं, जब कर्सर एक्टिवेट होता है तब होता है एक्टिवेट। कर्सर एक्टिवेट हुआ, इंसर्ट में देखिए हाँ सैम्बुल, और सैम्बुल में आप यहाँ से जो सैम्बुल चाहिए, यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट भी है, अलग अलग फॉन्ट के अलग अलग सैम्बुल्स हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके जैसे कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट का नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे अलग अलग सैम्बुल्स हैं। दिख रहा है ना आपको इस तरह का सैम्बुल का चाहिए तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सैंबुल, लेकिन एक्टिवेट कब होगा सैंबुल, जब आपका कर्सर एक्टिवेट होगा, मतलब कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में आप डालेंगे तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मीडिया, अब थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है मीडिया। मीडिया मतलब कि आप अगर इसमें कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो वीडियो दो है, एक है कि किसी ऑनलाइन साइट से वीडियो को लिंक करना चाहते हैं, या दूसरा है कि वीडियो ऑन योर पीसी। ऑन माय पीसी, हाँ देखिए ऑन माय पीसी का वीडियो अगर आप लिंक करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये फाइल किसी को मेल करेंगे तो उसके पास ये मीडिया रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो ये जस्ट यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहा है, समझ गए। कहाँ से खुली है? ऑन माय पीसी से। अच्छा हाँ, लिंक ही क्रिएट किया ना, पूरा का पूरा फाइल को थोड़ी कैप्चर किया। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं प्ले करूंगा, तो प्ले करने के बाद जैसे कि इसे क्लिक करूंगा यहाँ से, वैसे मेरा मीडिया रन हो जाएगा। ठीक है हमारा ये हमारा जी, बोले मैं बोल रहा हूँ कि से मैंने मीडिया को यहाँ जो हमारे हमने एक वीडियो फाइल लेके यहाँ पे एडजस्ट कर दी, वीडियो फाइल जो इंसर्ट करेंगे तो कुछ इसी तरह का डिजाइन होगा, आप तो छोटा और बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है,
नहीं ये तो समझ में आ गया, मगर ये आया कहाँ से है? ये आया इंसर्ट मेनू बार के वीडियो से, फ्रॉम वीडियो ऑन माय पीसी, माय पीसी से आया, आपने उससे क्लिक क्लिक किया तो हुआ। करके मैं अपने सिस्टम की एक लोकेशन में किसी एक वीडियो को लिया और उसको लिंक कर दिया। ओ अच्छा, इंसर्ट कर दिया तो वो वहां आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ओके ठीक। फिर उसको अपने हिसाब से राइट कर दे। ये वीडियो प्ले कब होगा? ये वीडियो प्ले होगा जब आप साइट स्लो करेंगे, साइट को शो करेंगे। साइट शो करने के बाद यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन है, क्लिक करके इसको प्ले कर। हमारे आज ऑनलाइन क्लास ठीक है। ओके ठीक है। अब इस वीडियो की भी एक अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे आप प्ले प्ले करना चाहें तो यहीं पे प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी प्ले कर सकते। जरूरी नहीं कि प्ले करने के लिए आपको इस पे जाना पड़े, मतलब कि शो शो ही करना पड़े, आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते ओके हो। अब इसकी यहाँ पे तो है कि पोस्टर फ्रेम, मतलब कि आप इसका जो ये पोस्टर फ्रेम है वो क्लेम फ्रेम रखना चाहते हैं तो क्लिक कर। तो इससे क्या होगा कि जैसे वीडियो यहाँ पे मान लीजिए मैंने शो किया, ये दिख रहा है इस तरह से दिखेगा। इससे पहले ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, दिख रहा था ना? तो हम यहाँ पे अपने मान लीजिए जैसे YouTube पे वीडियो देखते हैं आप ना, तो जब क्लिक करने सर्च करते हैं तो उस समय आपको वहां पे कुछ और पिक्चर दिखाता है, ओपन करते हैं तो अंदर कुछ और होता है, वो पिक्चर होता है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई क्लिक कर सकते हो। तो इसमें यह है, इसमें दो ऑप्शन है कि आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, कि कोई आपकी सिस्टम में कोई तो इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को चूज कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे ब्राउज किया और अपने डेस्कटॉप से किसी एक इमेज को उठा लिया, मान लीजिए मैंने इसी को उठा लिया, ठीक है। तो देखने में ऐसा लगेगा जब मैं प्ले करूंगा तब इसके अंदर की चीज दिखाई, समझ गए? समझ में आया मैम आप कुछ नहीं? हाँ पोस्टर समझ में आया आपको? समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है रीसेट डिजाइन। रीसेट योर डिजाइन मतलब कि जैसा था वैसा करना है। रीसेट डिजाइन मतलब कि डिजाइन अगर आपने चेंज किया है उसको जैसा वैसा वापस कर दीजिए, कि साइड जैसी थी ऐसे वापस करना है, ये चीज आप यहाँ कर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पिक्चर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको प्रेजेंटेशन जो है आपको अपनी पीसी पे ही दिखाना है, आपको अपने पीसी पे ही दिखाना है प्रेजेंटेशन, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप जो पिक्चर है वो अपने पीसी से ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए फाइल किसी को मेल करनी है तो आप सिर्फ मेल करोगे अपनी प्रेजेंटेशन की फाइल, वीडियो फाइल तो मेल नहीं होगी ना, क्योंकि जी वीडियो फाइल जो पड़ी हुई है वो मेरे अलग लोकेशन में पड़ी हुई है, इसके साथ तो वीडियो जाएगी नहीं। और वीडियो अगर जाते भी तो हो सकता है कि वीडियो काफी बड़ा साइज हो, मेल जाए ना, तो उस केस में हम वीडियो को यूज करते हैं, वो करते हैं ऑनलाइन वीडियो का, जैसे YouTube या किसी आपके जो स्टोरेज पॉइंट है जहां वीडियो स्टोर करते हैं वहां स्टोर कीजिए और वहां से उसको निकाल। जैसे कि मैं YouTube है, YouTube से लेता हूँ, या फिर कोई और यहाँ पे देखिए कोई और है फ्रॉम वीडियो एम्बेड, तो YouTube से मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं अपना नाम ही सर्च कर लेता हूँ, नाम तो आना चाहिए। हाँ याद है ना? तो क्लिक कर दिया। अब ये जो है यूट्यूब से लिंक, तो इसका फायदा क्या होगा, ये कहीं भी रन कर, जहां इंटरनेट की कनेक्शन। ठीक है ना? जहां भी
इंटरनेट की कनेक्शन होगी, वहां वो इसको अगर इंस्टॉल में चलते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो फाइल की। अब वीडियो फाइल नहीं, ऑडियो फाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यहां आप ऑडियो फाइल कर सकते हैं। दूसरा होता है इसमें, इसमें दो चीजें हैं। एक होता है कि आपके पास अगर प्री रिकॉर्डेड कोई ऑडियो है तो वो आप ले सकते हैं। ऑडियो इसके साथ स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑडियो इसी के साथ स्टोर होता है। तो अगर ऑडियो की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पीसी में कोई ऑडियो है, जैसे क्लिपिंग वगैरह या सॉन्ग वगैरह या आपकी कोई भी ऐसा चीज है जो आप अपने गाना चाहते हो, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक गाना चाहते हो, तो इसका इस्तेमाल, या फिर रिकॉर्ड ऑडियो, आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपने गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जो कि स्टाफ को देना था, हाउ कैन मैनेज द योर डेटा, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो मुझे उस पर हिदायत दी गई थी कि जो टेक्स्ट लिखा होगा वो टेक्स्ट कोई साउंड भी आनी चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों भाई, बोला कि हमारे ऑफिस में करीब 10 या 12 पत्र की रिजर्वेशन है हैंडीकैप के लिए, जैसे कि जो आंख से अंधे हैं, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड पर्सन के लिए चाहिए, तो ब्लाइंड पर्सन के लिए वो सुनेंगे, समझे। तो मेरे पास एक मुश्किल हो गया कि मैं हर एक टेक्स्ट को साउंडली रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे ऑडियो फीचर्स में है कि आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं रिकॉर्ड पे क्लिक किया और यहां से, और यहां पे जो भी हम बोलेंगे वो साउंड मेरे साथ रिकॉर्ड होगा, जो लेंथ होगी रिकॉर्ड जब आपकी फिनिश हो जाए यहां पे ओके करने के बाद देखो यहां पे। तो अब जैसे मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, आवाज आएगी, लेकिन ये हमें रन करना पड़ रहा है, हमें तो क्या करना पड़ रहा है, रन करना पड़ रहा है। तो राइट, तो राइट क्लिक करके अगर हम इसके प्ले बैक पे जाएं, तो यहां से इसके प्ले करना हो गया, इसकी ड्यूरेशन मान लो कि कुछ सेकेंड कम ज्यादा हो गया है उसका दिला ले सकते हो, या इसकी वॉल्यूम हाई हो, मीडियम हो, म्यूट हो, फिर वॉल्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे होता है प्ले इन बैकग्राउंड, वो आज के बैकग्राउंड में जैसे स्लाइड आएगी तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। प्ले बैकग्राउंड कर दिया ना, तो देखिए अपने आप हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, जैसे स्लाइड आपने, जैसे स्लाइड बाई स्लाइड ओपन होगा तो उसमें जो भी चीजें लिखी हुई है वो बैकग्राउंड में बोलता भी रहेगा। तो वहां पे जो ब्लाइंड पर्सन थे उनके लिए सुटेबल, उनके लिए बेनिफिट हो गया, जो देख नहीं सकते थे प्रेजेंटेशन को, तो उस प्रेजेंटेशन को सुन रहे। और ब्लाइंड पर्सन की इमेजिनेशन जो है बड़ी अच्छी होती है, तो सुनकर इमेजिन कर रहे थे, मन गए। तो ऑडियो को यहां से आप जैसे वाटरमार्क, आप कोई वाटरमार्क ऐड करने चाहते हैं तो वाटरमार्क इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहां से जैसे मार्क जो वो ये बुक मार्क है, मतलब कि उसे क्लिक करते हैं हम उस पोजीशन पे चले जाते हैं,
वीडियो ट्रिम करना मतलब कि वीडियो को काटना, जैसे शुरुआती में वो पता चला कि 1-2 सेकेंड जो है वो आपकी कुछ ऐसी चीज है कि साउंड या कोई ऐसी चीज है उसको आप ट्रिम करना चाहते हो, तो यहाँ से टाइम चेक उतना उतने वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, ऑडियो ऑप्शन ये स्टार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। प्ले क्रॉस लाइन लूप अंटिल द स्टॉप, ये देखिए क्या है, मतलब कि जब तक मैं स्टॉप नहीं करूंगा तब तक ये चलता रहेगा, मतलब नहीं समझे, ये बचता ही रहेगा, खत्म होगा फिर शुरू से स्टार्ट होगा। तो इसको ये जो चीज है इसको आप हटा देंगे तो सही रहता है, क्यों, क्योंकि तो लूप में दिक्कत क्या होता है कि स्लाइड मान लीजिए आपने आगे नहीं बढ़ाया तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। रिवाइंड आफ्टर प्ले, मतलब कि आपने आधा सुन लिया हुआ है और फिर स्लाइड में आते हैं तो अगर रिमाइंड नहीं करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं होता आप टीवी देखते हैं कि आपने मूवी देखी और मूवी का मान लीजिए आपने 1.5 घंटा तक छोड़ दिया मूवी को, मतलब कि अगर आपने 45 मिनट से छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम वो 45 मिनट से स्टार्ट होगी, वो चीजें यहाँ पे होगा। लेकिन रिमाइंड आफ्टर प्लेइंग कर दो क्या होगा, ये शुरू से स्टार्ट होगा, जब भी स्लाइड पे आएगा तो शुरू से स्टार्ट होगा। हाई ड्यूरिंग द शो, मतलब ये जो अभी जैसे हम शो कर रहे हैं तो ये जो इसका जो ऑडियो का जो सैंपल है वो सैंपल गायब हो जाए, गायब हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे तो वो हाइड नहीं होगा, दिखेगा, दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ऑडियो की सेटिंग। उसके बाद आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और ये देखिए बहुत सी चीज है, मान लीजिए कि आपको ये बताना है कि भाई न्यू स्लाइड कैसे ऐड करें, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करें और यहां से जो भी स्क्रीन कैप्चर होगा अब इस एरिया में हम यहां से रिकॉर्ड स्टार्ट करें। अब जो भी हम करेंगे वो यहां पे रिकॉर्ड होगा, एज ए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कैसे होता है, एक मिनट, स्टॉप करने में शॉर्टकट दिया था भूल गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे इसका शॉर्टकट भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये आ गया, इसको प्ले कीजिएगा ना, यहाँ पे जो भी हम माउस मूविंग कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, आपको तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी PPT के जरिए कर सकते, पर इसे वॉइस नहीं आता है, वॉइस में दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझ गए, ये नहीं समझे, नहीं समझे। अब जैसे कि मान लीजिए ना आपने मान लीजिए कि आप एक इंटरनेट यूज करने के ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन बनाया कि हाउ टू यूज द इंटरनेट, तो कुछ फीचर ऐसे हैं जिसको आप करके दिखाना चाहते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, करके दिखाना चाहते हो, तो उस केस में आप जो है यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो और जो जो चीज आप करोगे वो एज ए वीडियो बन जाएगी। जैसे मेरी वीडियो नहीं देखते हो आप कि मैं जो भी अपनी माउस अपनी स्क्रीन पे करता हूँ आपको लाइव दिखता है मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो सेम चीज आप जो कभी जो भी करोगे वो रिकॉर्ड बन के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एज ए वीडियो बन के, तो कोई भी इसको देख सकते। ठीक है, तो आज मैंने आपका
टेम्पल का पार्ट और मीडिया का पार्ट दो पार्ट बनाया, जिसमें मीडिया पार्ट में वीडियो तो उतना है ही, लेकिन ऑडियो खास है इसका यूज हम करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी खास है। तो आप इन दोनों पे प्रैक्टिस कर ले अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो है डिजाइन टैग हम कर ही चुके हैं आपके साथ, ट्रांसलेशन और एनिमेशन दो टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर कोई कुछ बचेगा नहीं आपका भी इसमें पाव बैंक, तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, आपने आपने स्लाइड बनाना सीख लिया, स्लाइड को स्लाइड में जो चीजें होती है इंसर्ट करना सीख लिया, डिजाइन कोई खास नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन में क्या है कि वो जो आपकी जो स्लाइड है वो किस स्टाइल से प्रेजेंट हो वो होता है, और उस पर किस तरह से एनिमेशन करें वो होता है। ओके okay. उसके बाद छोटे बड़े टॉपिक है जो कि एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये वीडियो मैं मेगा ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है।